When I Have Fears by John Keats. John Keats died very young. When I Have Fears, the title suggests the poet's fears. He is afraid of dying, of death, because he was suffering from tuberculosis. He was in very, his health condition was very poor, and he was afraid of dying. And if you read lines about him, his fear was not, you can say, unnecessary, because he in fact died at a very young age, at the age of 29. So when I have fears that I may cease to be, the poet is afraid of death, of afraid of dying. He says that jab mujhe khauf aata hai ki ab main nahi honga, cease is stop to continue to exist. Cease means to stop. Before my pen has gleaned my teeming brain, he is afraid of dying. Before his pen has gleaned over here means gathered, collected my teeming brain. Teeming brain is ideas, full of ideas, and a brain which is full of ideas, full of creativity. Before high piled books in character tree, whole light lit rich garners the full ripened green. So he is afraid of dying. इससे मरने से डर रहा है. उस वक्त से पहले जबकि उसके पेन ने जमा नहीं कर लिए, उसकी टीमिंग ब्रेन, एक्टिव ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन, यू कैन से कंटिन्यूअसली थिंकिंग ब्रेन की आइडियाज इन हाई पाइल्ड बुक्स इन कैरेक्ट्री, कैरेक्ट्री मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, उसके आइडियाज जमा नहीं हो गए बुक्स में. और जिस एंड ही हैज कम्पेयर्ड, यहाँ पे उसने सिमिली यूज की है. जहां भी लाइक और एज का वर्ड आता है पोइट्री में, उसको सिमिली कहते हैं. Before high piled books in character, hold like rich garners a full ripened grain. किताबें जो लफ्जों से भरी होती हैं, उनको कंपेयर किया है, सिमिलराइज किया है, सिमिली यूज की है किससे, एक फसल जो कि यू कैन से गार्नर कहते हैं, यू कैन से स्टोर्स, जहां जमा, गोदाम समझ लें, स्टोर्स का समझ लें, जमा होने की जगहें भरी हुई होती हैं पकी हुई फसल से, जिस तरह के जमा करने की जगहें. गार्नर्स यू कैन से आर स्टोर्स और गोडाउन और प्लेसेस जहां बहुत सारा गल्ला अनाज जमा किया जाता है जाके. सो जमा करने वाली जगहों में जिस तरह से मकई, अनाज, गंदम, दूसरी फसलें जिस तरह से जमा हुई होती हैं, उसको उसने किससे सिमिली दी है, बुक्स से, बुक्स जो कि भरी हुई होती हैं वर्ड्स से. सो यू कैन पॉइंट इट आउट, स्पॉट इट कि दिस इज अ सिमिली, बिकॉज द वर्ड ऑफ लाइक हियर इंडिकेट्स कि दिस इज अ सिमिली. बुक्स जो लफ्जों से भरी हैं, उसको कंपेयर किया है स्टोर हाउसेस जो ग्रेन्स से भरे हुए होते हैं. सो ही इज अफ्रेड ऑफ डाइंग बिकॉज ही इज अ पोएट, ही हैज अ क्रिएटिव माइंड, हिज माइंड इज वेरी क्रिएटिव, फुल ऑफ आइडियाज, फुल ऑफ क्रिएटिविटी. ही इज अफ्रेड ऑफ डाइंग बिफोर एक्सप्रेसिंग ऑल हिज आइडियाज, थॉट्स एंड थॉट्स इन वर्ड्स. ही वॉन्ट्स टू कन्वे ऑल हिज आइडियाज एंड थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स बिफोर डाइंग. व्हेन आई बिहोल्ड, behold means to look, see, upon the knife-starred face. And he is saying कि जब वो देखता है रात के टाइम आसमान की तरफ जो सितारों से भरा है. When I behold the knife-starred face, huge cloudy symbols of a high romance. और उसको जब वो सितारों भरी रात को देखता है, उसको clouds नजर आते हैं, clouds different shapes form करते हुए नजर आते हैं. So and think that I may never live to trace. Now he is afraid कि he will never be able to trace the beauty of nature, the beautiful phenomena of nature, their shadows with the magic hand of chance. So he is पहले वो डर रहा है कि books में अपने ideas express करने से पहले ही वो मर जाएगा. Next वो अपना fear बता रहा है कि जितने भी ये beautiful phenomena of nature हैं, night star face है, cloudy symbols हैं, ऊपर clouds हैं, जितने भी beautiful phenomena of nature हैं, उनको उनके ऊपर एक्सप्रेस करने से पहले अपनी बुक्स में ही विल डाई. ही विल नॉट बी एबल टू ट्रेस देयर शेडोज विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस. मैजिक हैंड ओवर हियर मींस द हैंड ऑफ द पोएट विच इज गॉड गिफ्टेड, विच इज गिफ्टेड बिकॉज अ पोएट इज गिफ्टेड बाय गॉड. कि वो अल्लाह ताला की तरफ से ही ऐसा होता है कि वो अपने ख्याल को बड़े एक्सप्रेसिव स्टाइल में एक्सप्रेस कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड. एंड देन आई फील fear, fair creature of an hour, that I shall never look upon thee, never have relish in the fairy power of unreflecting love.
And then I feel, and he becomes afraid of dying, when he says that, when I feel fair creature of an hour, he's talking about his beloved. He calls his beloved a fair creature of an hour, a beautiful creature who is also temporary. Human life is temporary, everything is temporary, even his beloved is temporary. He feels ke main, he will not be able to look at his beloved. Then I shall never look upon thee more. Okay, I will not be able to look upon you anymore. Because when he will die, he will definitely not be able to look upon anything. Not even the beloved, not the beautiful nature, phenomena of nature. That I shall never look upon thee more, never have relish in the fairy power of unreflecting love. And he will not be able to enjoy. Relish means to enjoy. Never have relish. He will not be able to enjoy the fairy power. Fairy power, you can say magical power. The strong passions, the power of love. Unreflecting love. Unreflecting is unthinking. You can say impulsive. Unreflecting over here also means not reciprocated, because his love was one-sided. So he will not be enjoying the fairy power of love. Oh, then on the shore of the world, wide world, I stand alone. And because he thinks that he is about to die, because his poor health has already indicated him that his death is near. Usko pehle hi pata tha ki uski jo health ki condition hai wo zyada arsa zinda nahi rahega. He was a patient of tuberculosis or he was very ill. So he knew that he is standing on the shore of the wide world. He is duniya ke sahil pe hi khada hai aur I stand alone, and he is standing alone. And think that till love and pain to nothingness do sink. And he thinks that love and pain will sink to nothingness. Unki koi importance nahi rahegi, because in front of that, everything loses its meaning.